सुपर बात बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे हो। देखिए बच्चों, आज जो है हम लोग वर्ग नवम का तीसरा अध्याय आपातंत्र का दीर्घ उत्तर या प्रश्न उत्तर की ओर ध्यान देंगे। देखिए बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग आपातंत्र के बारे में जानने का पूर्ण रूप से प्रयास किए हैं। आपातंत्र में हम जाने हैं कि नदी का बहाव किस तरह से होता है, उसमें कौन कौन सी जो है आकृतियाँ का निर्माण होता है, और ये भी जाने हैं कि कौन सी नदियाँ पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है, कौन सी नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, कौन सी नदी किस खाड़ी में गिरती है, कौन सी नदी किस खाड़ी में गिरती है। सारे चीज़ों का जो है हम लोग ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। अब जो है आगे की तरफ दीर्घ उत्तर या प्रश्नों की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए बच्चों, पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1 है, कह रहा है प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का विवरण। देखिए बच्चों, प्रायद्वीपीय भारत की जो भी नदियाँ होती हैं वह नदियाँ वर्षा पर निर्भर करती हैं, अर्थात वह पठारी क्षेत्रों से गुजरती हैं और एमसीयूवी का निर्माण करती हैं, अर्थात ज्वारनाल दमुख भी उसे कहा जाता है। वह जो है समुद्र से मिलने की जब होती है तो वह डेल्टा का निर्माण ना करके बल्कि वह ज्वारनाल दमुख का निर्माण करती है। जो प्रायद्वीपीय नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं वह नदियाँ जो है डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि इसके आंसर क्या लिखे हैं। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ मुख्यतः वर्षा पर निर्भर करती हैं, वही चीज़ को लिखे जो अभी हम समझाएँ आप लोग। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का जल ग्रहण क्षमता कम होता है। ठीक है, जो भी नदी का जल ग्रहण क्षमता होता है बहुत ही कम होता है, कि उसमें फैलाव नहीं हो सकता है, वो जो मैदानी क्षेत्र में रहता है कभी वो पठारी क्षेत्र होता है। ठीक ना, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का जल ग्रहण क्षमता कम है। प्रायद्वीपीय भारत की वे नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वो डेल्टा के निर्माण करती हैं, जबकि अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ ज्वारनाल नदियों का निर्माण करती हैं। वही बात है, देखिए नर्मदा और ताप्ती ज्वारनाल नदियों का निर्माण करती हैं। नर्मदा और ताप्ती जो दो नदियाँ हैं वह नदी जो है पूर्व से निकलती हैं और पश्चिम की दिशा में जाकर अरब सागर में गिर जाती हैं। अब रहा सवाल कि नर्मदा नदी क्या है, कहाँ से निकलती है, उनकी सहायक नदियाँ क्या हैं, उनके बारे में भी बताएंगे। कह रहा है आप देखिए, नर्मदा नदी अमरकंटक के पहाड़ से लगभग 1057 मीटर की ऊंचाई से निकलती है और हिरण और शेर ये उनकी सहायक नदियों का नाम है। मतलब उनसे उस नदी से नर्मदा नदी में जाकर ये छोटी छोटी नदियाँ जो है उसमें जाकर मिल जाती हैं और नर्मदा नदी का जो है क्षमता क्या करती है, बहाव को तेज करती है। आदि सहायक नदियाँ हैं या अरब सागर में गिरती हैं। ठीक ना, अब देखिए नीचे लिखे हैं ताप्ती नदी के बारे में पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। ताप्ती यह नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुलई नामक स्थान से निकलती है। सिपरा इसकी सहायक नदी है। जो ताप्ती नदी है वह जो है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुलई नामक स्थान से निकलती है और सिपरा नदी जो है उसकी सहायक नदी है। ठीक ना, यह नदियाँ पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर में जाकर गिर जाती है। तो बच्चों आप इसे फिर कॉपी में लिखेंगे। चलिए बच्चों, हम जो है अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है झीलों के आर्थिक महत्व बताएं। तो बच्चों, ये जो प्रश्न हम लिखे हैं इसको केवल आप लोगों को हिंट देंगे, हिंट्स और समझाएंगे। आप लोग इसका आंसर अपने से खुद लिखने का किताब के माध्यम से प्रयास करना है। ठीक ना, क्योंकि आप लोग अपने से भी लिखने की क्षमता आप लोग की जो है बढ़े और पढ़ने में भी आप लोग की जो है ध्यान आकृष्ट हो। देखिए बच्चों, देखिए झीलों के आर्थिक महत्व को बताइए। तो झील जो भी है वह नदियों के द्वारा ही बनता है।
और झील के माध्यम से झील जहाँ पे भी बनता है वह हमारे लिए बहुत ही इसका महत्व है, आर्थिक महत्व है। झीलों के से जो है हम लोग झीलों के किनारे में बड़े बड़े महानगरों शहरों का निर्माण होता है। झील जो है एक मनोरंजन का साधन भी बनता है, ठीक ना। झील जो है मनुष्य के लिए वरदान भी है, झील के द्वारा जो है हम लोग विद्युत निर्माण भी कर सकते हैं, उसे बहुद्देश्य परियोजना को भी लागू कर सकते हैं। झील जहाँ पे जिस स्थान पे झील रहता है वहाँ के वायुमंडल जो है जलवायु जो है सामान्य रहती है, जलवायु अच्छी रहती है, वहाँ पे हरे भरे पेड़ पौधे अधिक होते हैं, ठीक ना। जो है झील का बहुत ही आर्थिक महत्व है, आप लोग इसे अपने शब्दों में लिखने का किताब और कर से प्रयास करें, ठीक ना। तो अब अगला प्रश्न कह रहा है, भारत में नदियों का आपस में जोड़ने से सामाजिक आर्थिक लाभ क्या है। बच्चों नदियों जो है नदियों का आपस में जोड़ने का कार्यक्रम हमारे सरकार द्वारा प्रतिपादित की जा चुकी है। नदियों को जोड़ने से बहुत ही ज़्यादा सामाजिक आर्थिक लाभ है, जिससे कि नदियों को जोड़ने से सबसे बड़ा फैक्ट होता है कि ये बाढ़ की समस्या से राहत मिलती है, ठीक ना। हम लोग देखते हैं कि आए दिन कभी सुनते हैं कि बिहार में कभी कहीं जो है नदियाँ अपना जो है विकराल रूप में बरसात के मौसमों में बांध टूट जाता है और जो है उसे सैकड़ों गांव जो है बह जाते हैं। हम बहुत से जो है अपार संख्या में अपार मात्रा में जो है धन जन की हानि होती है। तो सबसे बड़ा फैक्ट होता है कि बाढ़ की समस्या से राहत मिलती है। नदियों को जोड़ने से आवागमन का जो है मार्ग सुनिश्चित होता है और यातायात का भी जल मार्ग के द्वारा आसानी से हम कहीं भी किसी भी चीज़ को आसानी से ले जा सकते हैं। और जो है कल कारखानों का निर्माण भी एक शेड्यूल ढंग से होता है, एक वर्गीकरण के रूप में होता है और अच्छे ढंग से होता है, ठीक ना। और नदियों को जोड़ने से हमारी जो है जो भी आर्थिक स्थिति जो है और व्यापार करने के जो है वाणिज्य जो है बढ़िया से फलीभूत होता है, ठीक ना। तो बच्चे इसे अपने शब्दों में पूर्ण से लिखने का प्रयास आप लोग करेंगे किताब के माध्यम से। अगला प्रश्न कह रहा है, नदियाँ मानव सभ्यता के जीवन रेखा है कैसे। तो बच्चों आप लोग इतिहास पढ़े हैं, इतिहास में भी आप लोगों को जानकारी प्राप्त होगी कि नदियाँ जो है हमारी प्राचीन सभ्यता संस्कृति की धरोहर रही है। नदियों के किनार पर भी आज भी हम लोग देखते हैं कि जो भी महानगर बसे हुए हैं वो नदी के किनार पर ही बसे हुए हैं। आप लोग डेट बीच आपको भी देख सकते हैं, पटना जो गंगा नदी, दिल्ली जमुना नदी, ठीक ना, कलकत्ता भी देख लीजिए हुगली नदी। तो इस तरह से जो भी महानगर बसे हुए हैं वो ऐसे जगह बसे हुए हैं जहाँ से वो समुद्री मार्ग या पानी के मार्ग से आसानी से कहीं आ जा सकते हैं, सिंचाई के साधन भी उपलब्ध होते हैं। जो भी नदियाँ होती हैं नदी के किनारे पर जो है बहुत अधिक मात्रा में उपजाऊ मिट्टी होती है, कल कारखाने स्थापित किए जा सकते हैं, पेयजल की समस्या नहीं होती है, बहुत अच्छी परियोजना भी लागू होती है। तो ये सब जो है हमारी सभ्यता संस्कृति की जो है मानव सभ्यता के जीवन रेखा के लिए नदियों का जो है महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नदियाँ जो है ऐसे कहा जाए तो नदी जो है मानव जीवन के लिए वरदान है। तो बच्चों आप लोग इसे अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करेंगे और इसे भली बात याद करेंगे। तो कल के लिए हम लोग इसी अध्याय में आगे की तरफ रुख करेंगे और इसे जो है आप लोग क्लियर बनाए और इसे भली बात याद करें। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।